हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द ऊल यील्डिंग एनिमल्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में स्पेशली हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, एंड वन इज वूल, अनदर इज सिल्क। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था वूल यील्डिंग एनिमल्स के बारे में। ओके, नंबर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स आर देयर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन वूल। ओके, स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है शियरिंग। शियरिंग क्या होता है? रिमूविंग हेयर्स ऑफ शिप विद थिन लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, जैसे सेव ऑफ करते हैं ना, सेव ऑफ, आपने देखा है फादर कई बार सेविंग करते हैं। ओके, आप जो बियर्ड होती है, तो इन दैट सेम वे हम उसकी क्या करते हैं, जो शिप है, ओके, या गोट है, कोई भी वूल यील्डिंग एनिमल है, उसका हम क्या करते हैं, उसकी जो पूरी हल्की सी पतली सी स्किन के साथ उसके पूरी जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज शियरिंग। आप ध्यान रखेंगे, शियरिंग मेनली समर में किया जाता है, क्योंकि विंटर में तो वैसे ही ठंड होती है, तो अगर विंटर में हम उनकी शियरिंग करेंगे तो उनकी स्किन ओपन हो जाएगी, एक्सपोज टू द एटमोसफियर, और उसको सर्दी लगेगी। नेक्स्ट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग होता है वॉशिंग। ठीक है, यानी जो भी हमने हेयर सेपरेट आउट किए उनको हम टैंक में वॉशिंग करते हैं। ओके, टैंक में डाल के, जिससे उनके अंदर जो भी डर्ट, ग्रीस, डस्ट पार्टिकल जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब अलग हो जाता है। ओके बेटा, डर्ट, डस्ट, वॉट एवर। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम अबाउट शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है? सेपरेट आउट, यानी अब हम क्या करते हैं, उनको जो हमने वॉश आउट किया है फाइबर्स को, उनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, यानी अलग अलग जो टेक्सचर के फाइबर हैं, भाई छोटे फाइबर एक साथ, उससे बड़े लंबे एक साथ, और उससे लंबे एक साथ, तो दैट इज नोन एज शॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल्स, या शॉर्टिंग ऑफ फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? क्लीनिंग ऑफ बर्स। क्लीनिंग ऑफ बर्स मतलब क्या होता है बेटा? बर्स आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे फर होते हैं उनको हम बर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? यानी बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उन बर्स को हम क्लीन करते हैं, सेपरेट करते हैं बाकी फाइबर से। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम यहीं पे क्या करते हैं, ड्राइड अगेन, वॉशिंग अगेन, या इसको आप स्कोरिंग बोल सकते हो, स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखिए, सबसे पहले हमने शेयरिंग से क्या क्या, उसके जो हेयर्स थे वूल यील्डिंग एनिमल के, उनको उनकी बॉडी से उतार लिया। फिर स्कोरिंग में हमने क्या किया, उनको वॉश कर लिया टैंक के अंदर, डस्ट और डर्ट को रिमूव करने के लिए। फिर हमने शॉर्टिंग किया, अलग अलग जो साइज के पार्टिकल फाइबर्स उनको हमने सेपरेट किया। फिर हमने क्लीनिंग ऑफ बर्स की, यानी जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जिनको हम फर बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बार कॉलर वगैरह पे अलग से हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उनको बर बोलते हैं। ठीक है, उन बर्स को हम सेपरेट करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉशिंग अगेन एंड ड्राइड, या स्कोरिंग अगेन भी बोल सकते हो, दोबारा से वॉश करते हैं, सुखाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डाइंग। अब आपको पता है नेचुरल जो वूल होती है वो कितने कलर की होती है, भाई वाइट होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, बट हमें तो बहुत वेरिएबल कलर के क्लोथ चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कलरिंग करेंगे। इसके बाद रोलिंग इनटू यार्न। जब हमारे पूरे फाइबर्स बन के तैयार हो गए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेंड, ठीक है, सीधा करेंगे सारे फाइबर्स को। ओके, उसके बाद कॉम्बिंग करेंगे, यानी कंघे से एकदम उनको क्लीन कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, एंड देन रोलिंग इनटू यार्न। फिर हमको रोलिंग करेंगे, इज दैट क्लियर? रोल करके उसका पूरा क्या बना देंगे, एक बंडल बना देंगे। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कुछ स्टेप्स थे हाउ कैन वी ऑब्टेंड वूल फ्रॉम वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब इसमें एक और चीज़ है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो ये भी हमें देखना है। देखिए, ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, कोई भी व्यवसाय। अब देखिए, जो लोग यहाँ पे सिप या वूल यील्डिंग या वूल को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, ठीक है, वूल को प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे फाइबर्स को अलग किया जाता है, ये सारे काम, सारे स्टेप जहाँ पे किए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको कई बार एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया,
उनको इन्फेक्ट कर देता है और इससे उनको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सोर्टर्स डिजीज। ठीक है बेटा, सोर्टर्स डिजीज अंडरस्टैंड क्या होता है, सोर्टर्स डिजीज हो जाती है, यानी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, जब किसी कंपनी में किसी जगह पे कोई लोग काम करते हैं तो वहाँ पे जो वो वर्क करते हैं तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया क्या है, ये एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, तो वो जो लोग काम करते हैं वो इसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इसके कॉन्टैक्ट में आने से उनको एक डिजीज होता है, हो जाती है सोर्टर्स डिजीज। ओके, काफ़ी फैटल डिजीज भी आप कह सकते हैं, लोगों की डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका ब्लॉक हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इज इट क्लियर, यानी काम ऐसी जगह पे करते हैं वहाँ से कोई बीमारी हो जाए, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इज इट क्लियर बेटा? ओके, सो आज ये था प्रोसेसिंग ऑफ वूल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए गुड डे।